Hello everyone, this is Mansi from ebithanati.in. Now we are starting with question number 8, exercise 7.3. So in this question we have Ramesh had 20 pencils. Ramesh ke paas 20 pencils hai. Shilu had 50 pencils. Shilu ke paas 50 pencils hai. And Jamal had 80 pencils. Aur Jamal ke paas 80 pencils hai. After 4 months, means 4 months ke baad, Ramesh used up 10 pencils. So Ramesh ne apni जितनी उसके पास टोटल पेंसिल्स थी उसमें से 10 पेंसिल्स यूज कर लिए. शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स. सो यहाँ पे आगे शीलू का गिवन है कि उसने 25 पेंसिल्स यूज कर लिए, देन जमाल का गिवन है कि उसने 40 पेंसिल्स यूज कर लिए. व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं कि किस किस ने कितने कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया है. देन चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर दिस पेंसिल. फिर हमें देखने की क्या तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है. मीन्स हमें ये देखने कि जो फ्रैक्शन उन्होंने यूज किया है वो सारे चारों के तीनों के जितने भी यहाँ पे हैं इक्वल है या नहीं. सो वी बिगिन विद, सबसे पहले हम देखते हैं यूज्ड अप फ्रैक्शन क्या क्या है. द फर्स्ट नेम वी हैव इज रमेश. सो रमेश के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी? 20. सो टोटल हमारा आता है नीचे, तो ये हो गया डिनोमिनेटर 20. देन इस 20 में से रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स यूज करी है? 10. सो द फ्रैक्शन विल बी 10 अपॉन 20. नेक्स्ट वी हैव रमेश के बाद लेट्स ट्राई फॉर द अदर वन व्हिच इज शीलू. सो नाउ शीलू के पास टोटल पेंसिल्स थी 50. सो डिनोमिनेटर आएगा 50. अब इन 50 पेंसिल्स में से यूज कितनी करी है? So, Shilu used up 25 pencils. So, 50 out में से 25 pencils use कर ली है. Then next we have Jamal. So, Jamal का let's write it here. So, he has total of how many pencils? He had 80 pencils. So, total कितना है? 80. 80 में से कितनी use कर ली है? That is 40. So, 40 अपॉन 80. सो अभी हमारे पास तीनों के फ्रैक्शन आ गए. रमेश का है 10 अपॉन 20, शीलू का है 25 अपॉन 50 एंड जमाल का है 40 अपॉन 80. नाउ वी हैव टू चेक कि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं. सो फॉर दिस हमें इनको लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा. सो लोएस्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन 10 अपॉन 20 ले, तो 0 से 0 का आंसर हो जाएगा, राइट? वी बी लेफ्ट विद 1 अपॉन 2. अब 1 अपॉन 2 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम नहीं कर सकते, सो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1 अपॉन 2. नेक्स्ट वी हैव 25 अपॉन 50. अब 25 और 50 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सो वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 5 इज 25. तो हमने 25 की जगह 5 लिख दिया एंड 5 इंटू 10 इज 50. तो हमने 50 की जगह 10 लिख दिया. नेक्स्ट 5 और 10 अगेन 5 के टेबल में आते हैं, सो 5 इंटू 1 इज 5 and 5 into 2 is 10. So, my first fraction आ गया again 1 upon 2. Means ये और ये जो fractions है ये equivalent है. अब चलते हैं last वाले पे which is Jamal. So, we have it as 40 upon 80. Of 40 or 80. Again 0 से 0 cancel कर देंगे. We will be left with 4 upon 8. अब 4 और 8 दोनों ही 4 के table में आते हैं. So, 4 into 1 is 4 and 4 into 2 is 8. So we have 1 upon 2. Okay. So here we can see ki tino ka jo fraction aaya that is 1 upon 2. So means tino ne equal amount ya equal fraction of pencil use kare. Okay. So this was question number 8. Now it's down to the next question.